नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र के वारिस नगर स्थित बाबा गुंडी के पास एक बालू लदे हाईवा ने एक युवती को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हाईवा में तोड़फोड़ की गई। इधर सूचना पाकर कपाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। कपाली बाबा गुंडी के ऊपर जो मलिक स्टोर के सामने में एक हाईवा का एक लड़की से सीधा टक्कर हो जाता है, जिसके कारण जो है लड़की का जो है दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। और अभी हालात ये है कि लड़की का पूरा बॉडी जो है गाड़ी के बड़े चक्के के नीचे में दबा हुआ है, और मतलब उसका पूरा सर और आधा बॉडी कह सकते हैं कि पूरी तरह से कुचला गया है, और अंदर का जो पूरा माल पूरा बाहर आ गया शरीर का। और ऐसा हालात में हो गया है कि देखने के लायक नहीं है बॉडी, और शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल है। और चूँकि अभी हम लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं और लोगों के जानकारी से अनुसार ये पता चल रहा है कि शायद, अभी कन्फर्म नहीं किया जा सकता है, अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये मुस्कान परवीन करके कोई लड़की है, तकरीबन 18 से 19 साल की है, शायद उसका हो सकता है। लेकिन अभी चूँकि अंधेरा भी है और प्रशासन अभी बॉडी को गाड़ी के चक्के से बाहर नहीं निकाली है, जब वो निकालने के बाद ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि वो किसका लाश है। जानकारी के अनुसार है कि ये जो है आपका कपाली जो है इस्लाम नगर के रहने वाली है, और अभी एक लेडी जो है सामने आई है, वो बता रही है कि हमारी बेटी हो सकती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, उसको भी जानकारी नहीं है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी का आज सुबह हाथ में टाका लगा हुआ है, बाएं हाथ में। यदि बॉडी अगर निकाला जाएगा, अगर उसके हाथ में बाएं हाथ में टाका अगर कंफर्म हो जाता है, तो ये क्लियर हो गया कि ये मुस्कान परवीन का ही जो है दुर्घटना स्थल पर मौत हुआ है। और यदि टाका नहीं है तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये किसका लाश है। पूरी तरह से प्रशासन ही दोषी है, क्योंकि हर एक जगह में एक समय होता है बड़े गाड़ियों का परिचालन करने का, लेकिन कपाली में 24 आवर सर्विस है, यहाँ कोई परिचालन का कोई समय सीमा नहीं है। जबकि मालूम होना चाहिए कि यह शाम का समय होता है, पूरे इंडिया का पूरा दुनिया जानती है कि शाम के समय में पीक मोमेंट होता है मार्केट का, खासकर 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक काफ़ी भीड़ रहता है। और कपाली में जो घनी आबादी क्षेत्र है, जहाँ रोड 10 से 12 फीट चौड़ाई है, और इसी में बड़ा बड़ा हाईवा अगर चलता है तो दुर्घटना होना लाजमी है। तो इसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और लोकल पुलिस प्रशासन का दोष है, जो लोकल बड़ी बड़ी गाड़ियों के परिचालन को जो है चालू कराती है केवल 2-4 पैसे कमाने के लिए, वो अपने मफाद के लिए काम करती है। अरे प्रशासन क्या है, आज यहाँ पर है कल दूसरे जगह चला जाएगा, लेकिन झेलना तो यहाँ की जनता को है। इसलिए इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा कि कोई भी बड़ी गाड़ियों का परिचालन जो है रात के 11 बजे से पहले नहीं होना चाहिए। रात के 11 से सुबह 5 बजे चलाइए, उसके बाद बाकी समय में छोटी गाड़ियों का परिचालन होना चाहिए। आपका परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, हम कपाली के जो है वार्ड पार्षद 13 के पार्षद हुए और जिला योजना समिति के सदस्य हुए। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।